इसके अंदर आपको एक ऐसा ड्रोन मिलता है जिसमें आपको मिलेंगे दो कैमरास और ये एक फोल्डेबल ड्रोन है। इसके साथ में मिलता है आपको एक रिमोट। देखो कितना सॉलिड रिमोट है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ड्रोन से तो ड्रोन से बड़ा इसका रिमोट है। और इसके अंदर आपको एक यहाँ पर मोबाइल होल्डर मिलेगा जिसमें आप अपना मोबाइल लगा सकते हो। और बिकॉज ये कैमरे वाला ड्रोन है तो सारी फुटेज को आप इसके अंदर कैप्चर कर सकते हो। साथ में बैटरी आती है, उसको आपको इसके अंदर यहाँ से इंसर्ट कर देना। जैसे इंसर्ट करोगे ये ऑटोमेटिकली ड्रोन के साथ एनेबल हो जाएगी। अब बहुत ही इजी है, जो पहले ड्रोन आते थे उसमें वायर लगानी पड़ती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक कैमरा दिख रहा होगा। ये जो कैमरा है बेसिकली ये एक गिम्बल कैमरा है। ऑटोमेटिक तो नहीं है बट मैनुअल है। बट सुनने में आया इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है। आप यहाँ से आप इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हो। इसके सारे प्रोपेलर आप ओपन कर दोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसे DJI का फोल्डेबल ड्रोन खुलता है वैसा सेम ये खुलेगा। तो देखो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉयस्टिक के जो ऊपर के पैनल है, जस्ट आप इसके अंदर प्रेस करोगे और ये लॉक हो जाएगी। आपको यहाँ से बटन दबाना है। जैसे बटन दबाओगे इसके अंदर देखो लाइट चल गई। तो बेसिकली एक ड्रोन की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए दो चीजें चेक की जाती है। पहला, इसकी स्टेबिलिटी कितनी है, इसके साथ जब कनेक्ट करेगा तो कितना अच्छे से कनेक्ट करेगा। दूसरा, इसके अंदर जो कैमरा लगा हुआ है उसकी क्लैरिटी कितनी है और कितने अच्छे से वो अपनी मोबाइल ऐप से कनेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अब मैं एक बटन दबाऊंगा तो इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक होवर का ऑप्शन मिलेगा। ये खुद से टेक ऑफ करेगा। देखो अब ये मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है। इट मींस कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। अगर आप बिल्कुल पास से देखोगे और ध्यान से देखोगे तो ये जस्ट एक जगह पर रुका हुआ है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब अगर आप चाहते हो कि आप इसको बंद करना है तो जस्ट आपको ड्रोन को पकड़ना है, उल्टा करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, जो कि एक और सबसे अच्छा फीचर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको हम लैंड कैसे करा सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली टेक ऑफ करेगा, यहाँ से आप बटन दबाओगे ये खुद से लैंड कर जाएगा। देखो काफी सही तरीके से काम कर रहा है, मतलब उम्मीद से तो काफी परे है, मैंने एक्चुअली में एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसकी अब मोबाइल ऐप के साथ कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। पहले ड्रोन को ऑन करना है। ड्रोन को ऑन करने के बाद यहाँ पर हमें जाना है वाईफाई पे। वाईफाई पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे फ्लो 4 के का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट कर गया। देखो अब इसके बाद मुझे यहाँ से बटन दबाना है और उसके बाद जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे तो देखो ये आपको दिख रहा होगा। और क्वालिटी देखो कितनी बढ़िया, कितने अच्छे कलर्स दिखा रहा है। जैसे पहले हमने ड्रोन यूज किया था जिसकी अनबॉक्सिंग की थी, उसके इतने अच्छे कलर्स नहीं थे। तो यहाँ से हम चाहे तो इस मोबाइल ऐप से भी उड़ा सकते हैं। ये हो गया एक्टिवेट और हल्का सा मैं ऊपर करता हूँ, देखो कितना सही उड़ा है। देखो उसको ऊपर लेके आया, देखो बिल्कुल परफेक्ट उड़ रहा है, बहुत ही सही कनेक्टिविटी है। सामने जो कैमरा है वो प्रॉपर इसको कैप्चर कर रहा है। मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट और यहाँ से प्रॉपर तरीके से लैंड करा दिया। अब इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ से देखो मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। देखो अब ये ड्रोन उड़ रहा है, इसके अंदर दो कैमराज हैं। अब मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा, देखो ये नीचे वाला कैमरा चल रहा है। नीचे वाले कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये नीचे का फ्लोर दिखा रहा है, बट काम ये बढ़िया कर रहा है। मैं यहाँ से दोबारा दबाऊंगा तो देखो सामने वाला कैमरा दिखा रहा है। देखो सामने की पूरी पूरी की पूरी आपको फुटेज दिख जाएगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जितना भी सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये देखो यहाँ पर आपको टाइमर दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ से बटन दबाता हूँ, यहाँ से टाइमर बंद हो गया। सेम को मैं अपनी गैलरी पे लेके जाऊंगा और यहाँ पर मैं सारी फुटेज चेक कर सकता हूँ। अब इस फुटेज को आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भेज भी सकते हो, किसी को मेल कर सकते हो। और ये जितनी भी फुटेज होगी ज्यादा जगह भी नहीं लेगी, तो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अभी तक से हमने इस ड्रोन को इसी लेवल पे चेक किया, हम इसको आउटडोर नहीं लेके गए, बट काम अच्छा कर रहा है। तो आज है day 2। कल हमने शाम तक बहुत लेट तक इसका शूट किया था तो अंधेरा हो गया था। तो आज हम इसका एक आउटडोर एक्सपेरिमेंट टेस्ट कर चुके हैं।
देखो ड्रोन की क्या हालत हो गई है, कितनी मिट्टी लगी हुई है भाई। ये ड्रोन लिटरली आपको सरप्राइज कर देगा। इस ड्रोन को आप बैक फ्लिप करा सकते हो। देखो जो ये वाला बटन लगा हुआ है, इस बटन को प्रेस करोगे तो ये ड्रोन बैक फ्लिप करेगा और किसी भी हाइट पे बैक फ्लिप करेगा। बहुत ही मजा आता है, इंडोर में मत कराना भाई, खराब हो जाएगा। दूसरा, इस ड्रोन में लगे हुए दो कैमरास, एक आपको ये फ्रंट में दिख रहा है, दूसरा है यहाँ पर नीचे कैमरा। अब बढ़िया चीज ये है, इस ड्रोन से आप जब इस फोन को कनेक्ट करोगे तो आप एक ही बार में दोनों कैमरास एक साथ यूज कर सकते हो। आपको जस्ट एक बटन दबाना है, फ्रंट से बैक पे आ जाएगा, बैक से फ्रंट पे आ जाएगा। दोनों से फुटेज बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होगी, नीचे वाले की फुटेज बहुत हल्की रिकॉर्ड होती है, अच्छी क्लैरिटी नहीं है। तो पहले जो ड्रोन में आते थे उनके अंदर आपको मेमोरी कार्ड डालना पड़ता था, इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा फोन के अंदर। और एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इसके अंदर जो ऐसी बैटरीज आती है इस ड्रोन की, वो दो बैटरीज आती है। तो मैं दोनों को चार्ज करके लेके गया था कि मैं जाके ट्रायल लूंगा, एक के बाद दूसरी यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही बैटरी में सारा ट्रायल कंप्लीट हो गया, दूसरी बैटरी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ओवरऑल देखी जाए तो इस ड्रोन की स्टेबिलिटी काफी सही है। अब जो इसके अंदर ये वाले स्लॉट है बहुत इंटरेस्टिंगली काम करते हैं, कभी भी आप ये रिमोट लेके जाओगे उसके ऊपर ये स्लॉट लगा हुआ होगा तो पूरे चांसेस होंगे कि ये टूट जाएगा। इसको निकाल कर आप यहाँ पर फिट कर दो तो आपको कहीं संभालने की जरूरत भी नहीं है, कहीं घूमने नहीं होगा। एक चीज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, ये जो ड्रोन है ये एक बार में एक ही डिवाइस से कनेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको अपने फोन से उड़ा रहे हो तो इस रिमोट काम नहीं करेगा, सिर्फ फोन काम करेगा और फोन से ही चलेगा। अगर आप रिमोट से उड़ा रहे हो तो फिर फोन काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ रिमोट काम करेगा। अगर आप इससे इस पे स्विच करना चाहते हो तो आपको ड्रोन को ऑफ करना पड़ेगा, देन ऑन करना पड़ेगा, यानी कि रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका ड्रोन दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होगा। चलता ड्रोन को अगर आप इससे यहाँ पर आना चाहते हो तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ये मुझे लगा कि एक डिसएडवांटेज है, मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है, बट ऐसा सारे ड्रोन्स में है। जितने भी ड्रोन्स आप 6-7 हजार से नीचे में खरीदोगे उन सारे ड्रोन्स में आपको ये सेम चीज मिलेगी। बाकी ड्रोन अगर आप ये खरीदना चाहते हो मैं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिंक दे दूंगा, वहां जाके चेक कर सकते हो। उड़ने में काफी सही है, 12 से 14 मिनट का बैटरी बैकअप दे देता है। भाई आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना पसंद है तो पेज प्ले मास्टर को फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।